सबसे पहले स्वागत है आपका फिल्म बीट में. आप ऑलरेडी सीजन वन वागले की दुनिया में थे, अब ये सेकंड सीजन है, कितना डिफरेंट होने वाला है ये वो सीजन से और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? 32 साल हो गए, ये डिफरेंस है. 32 साल के बाद ये कर रहे हैं तो 32 साल में दुनिया जैसे बदल गई है, हमारा सब्जेक्ट भी बदलेगा. वागले का अब आप हैं, आप 32 साल के बाद जो हैं आप तो वही रहेंगी और जैसा सर्कमस्टांसेस होगा उसके हिसाब से आप चलेंगी. समय बदल गया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई है, फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ एक अपना घर में था या फ्लैट में रहते हैं. वैल्यूज़ बदल गए हैं जी, लाइफ की वैल्यूज़ बदल गए हैं, पर वागले और वागले का परिवार वैसा ही है जैसे था. इमोशंस वही है, सिर्फ स्टोरी लाइन चेंज हुई है. वैल्यूज़ वही है, डिसिप्लिन वही है, पर थोड़े से वैल्यूज़ जो दुनिया के वैल्यूज़ बदले उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है. जो मेरा कैरेक्टर था उसमें मेरा बेटा छोटा राजू था, ये इसमें बड़ा राजू बड़ा हो गया है, अपने बाप को घर ले आया है, अपने घर अपने साथ रखता है, बस इतना ही. कहानी तो हम लोग नहीं बता सकते हैं रक्षाबंधन में क्या है, और रक्षाबंधन का जब एपिसोड आएगा तो देखिए. इसमें हमारा एक साला आया है, इतना बोल सकता हूँ, देवेन भोजानी एंटर्ड, राधिका का भाई आया है. कितना कुछ सेट पे मजा आ रहा है शूट करने के दौरान, और स्पेशली कोविड के टाइम लोगों को काम नहीं मिल रहा था, अब काम चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, हम सिंपैथी है जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं उनको भी काम मिले, और काम तो मिल रहा है जी, तो सीरियल तो बन रहे हैं सब, जिन जैसे पहले था वैसे आज भी है. जैसे सीरियल में जिसको मौका मिल गया वो कर लिया, जिसको मौका नहीं मिला वो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं मिल रहा है. हाँ, इंडस्ट्री के बाहर दूसरे लोगों को बहुत काम की कमी है, इतना मालूम है. काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, घर में तकलीफ है, लोग खाना खाने के लिए अपने गहने बेच रहे हैं, इतना भी मालूम है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ. ओके, सीजन वन की अगर बात करो तो वो कॉजेस को हाईलाइट करते थे, एक सेकंड, कॉजेस को जो है प्रॉब्लम्स को वो हाईलाइट करते थे, इसमें भी वही चीज़ किया जा रहा है, तो लोगों से कितना एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उसको काफ़ी प्यार मिला था, तो इसके लिए भी लोग तो मिल तो रहा है लोगों का एक्सपेक्टेशन. तीन चार महीना हो गया, लोगों का एक्सपेक्टेशन जो था उसको पूरा कर रहा है ये, तो जो चीज़ों जो प्रॉब्लम थे उस समय उसको सॉल्व करते थे, आज के जो प्रॉब्लम है राजेश वागले और हम लोग सब मिल करके सॉल्व करते हैं. पर पड़ोसी भी वैसे ही है जैसे वहाँ पड़ोसी अच्छे थे, यहाँ भी दो तीन पड़ोसी अच्छे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.